वेलकम फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद धाकड़ एंड वेलकम टू फ्लाई हाई एकेडमी। आज की वीडियो हम सीखेंगे यूज ऑफ यूज्ड टू। ये भी आपका एक सेमी मॉडल्स कहलाता है यूज्ड टू का। आप जो यूज होता है हम उन जगह यूज करते हैं जहां पे हम जो हम आदतन पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते, जो हम आदतन पहले करते थे लेकिन अभी हम नहीं करते, उसमें हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। जैसे ही यूज्ड टू ड्रिंक डेली, मतलब वो पहले पास्ट में आपका क्या करता था, ड्रिंक करता था डेली, बट अब नहीं करता। ही डजंट डू मतलब अब नहीं करता। इसका मतलब है कि इसमें आपको यूज टू का यूज करना, मतलब ऐसी हमारी पुरानी आदतें जो हम पास्ट में जनरली क्या करते थे लेकिन अब नहीं करते। जैसे आई यूज टू स्मोक वन पैकेट सिगरेट, मतलब मैं पहले आपके एक पैकेट सिगरेट स्मोक करता था लेकिन अब नहीं करता, तो उसमें आप यूज टू का यूज करेंगे। जी हाँ, यूज टू का यूज आप नेगेटिव में इस तरीके से करते हैं। जैसे यूज्ड का जो नेगेटिव फॉर्म जो होता है एक्चुअली, उसमें आप यूज्ड नॉट टू यूज कर सकते हैं, और इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं, आपको इसमें डिड नॉट लगा के डिडंट यूज टू। जी हाँ, कैसे यूज कर सकते हैं, डिडंट यूज टू। डिड क्यों आ रहा है, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, क्योंकि हमारी जो आदत बसी पास्ट की वाली से करते हैं, इसलिए इसमें हमारा डिड का यूज करना है हमें। तो इसमें हम किस तरीके से यूज करेंगे, इसमें अगर हमें नेगेटिव में यूज करना है, दोनों तरीके से इसका यूज होता है, यूज्ड नॉट टू से भी यूज होता है इसका, और डिडंट यूज्ड टू भी होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा नेगेटिव। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बना के बता देता हूँ, जैसे क्या डिडंट यूज टू यूज करें, तो एक मैं आपको एक सेंटेंस बना के अपन देख लेते हैं। जैसे आई डिडंट यूज टू ड्रिंक। तो इसमें आपका हो जाएगा कि मैं पहले कभी भी ऐसे जनरली ड्रिंक नहीं करता था या नहीं किया करता था। तो एक तरह से आपका इसका यूज इस तरह से होता है। दूसरे तरीके से इसका यूज टू का जो यूज होता है वर्तमान में जो, या फिर प्रेजेंट में कहें, इस प्रकार से किया जाता है। जैसे आई एम यूज्ड टू टेक टी इन अ मॉर्निंग, मतलब मैं जनरली हमेशा अपने प्रेजेंट सिचुएशन को शो करने में आई एम यूज्ड टू टेक टी इन अ मॉर्निंग, मैं जनरली सुबह चाय पीने में अभ्यस्त हूँ, पर चाय पीता हूँ। जैसे आई यूज्ड टू वॉक इन अ मॉर्निंग, मतलब मैं जनरली आपका सुबह आज के समय में मॉर्निंग में दौड़ने में वॉक करने में बिजी हूँ, तो इसमें आपका यूज होता है। जैसे ही इज यूज्ड टू रीड द न्यूज़पेपर विद मॉर्निंग टी, मतलब भाई सुबह चाय पीने के साथ साथ अखबार पढ़ने का आदि है, मतलब उसकी आदत है, जो चीजें आदतन होती है उसमें हम यूज टू का यूज करें। जैसे ही यूज्ड टू रीड द न्यूज़पेपर विद मॉर्निंग टी, तो उस सुबह चाय पीने की उसको आदत है, उसमें आप क्या यूज करेंगे, आप इसमें उसका मस्ट यूज करें। अब आपका नेगेटिव और इंटरगेटिव में किस तरीके से यूज करते हैं, मैं आपको इसका यूज बताता हूँ। तो पहले मैं आपको नेगेटिव में बता देता हूँ। तो नेगेटिव मैंने आपसे कहा था आप इसको यूज्ड नॉट टू भी यूज कर सकते हैं, या फिर डिडंट या डिड नॉट यूज टू भी यूज कर सकते हैं, डिड नॉट यूज टू इस तरह से भी इसका यूज कर सकते हैं, या फिर यूज नॉट टू की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही यूज टू प्ले चेस एट कॉलेज, ये आपका सिंपल हो गया। अगर मैं इसको नेगेटिव करना चाहूँ कैसे करूँगा, He used not to play chess at college. और इसको अगर मैं दूसरे तरीके से करना चाहूँगा तो कैसे करूँगा, इस तरीके से He didn't use to play chess at college. तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं इसको। अब आपका आता है इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव में बिल्कुल दोनों ही चीज़ें आपकी होती हैं। इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, सिंपल है। इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपको, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि किस तरीके से आप कर सकते हैं, यूज्ड फिर देन सब्जेक्ट देन टू लगा के, इंटरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आ गया जाती है, तो यूज्ड सब्जेक्ट टू। जैसे कि इसको मैं, जैसे ही यूज्ड टू प्ले चेस एट कॉलेज, इसी को मैं इंटरोगेटिव बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, यूज्ड ही टू प्ले चेस एट कॉलेज, ये आपका हो जाएगा। या फिर आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, डिड ही
used to play chess at college. इसको इस तरह से बना सकते हैं हम. Did he used to play chess at college? तो इस तरह ये इसका interrogative use होता है. आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आप इसमें चाहे did भी use कर सकते हो और did नहीं चाहे तो use मत करिएगा, कोई जरूरत नहीं है. लेकिन इसमें एक common चीज है, अगर आप did use करेंगे ना तो इसमें used में ed जो last में होता है, क्या होता है last में ed होता है, वो हट जाता है. अगर आप did use करेंगे तो ed हटाना है, तो used की जगह use हो जाएगा, वो use टू हो जाएगा. और अगर आप डिड यूज नहीं करेंगे तो वो यूज्ड टू रहेगा, ईडी बना रहेगा. तो आपको होप यू गाइस आपको ये यूज ऑफ यूज्ड टू आपको समझ में आ गया होगा. सो गाइस प्लीज प्रैक्टिस देम. एंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट में लिखें हमें आपको वीडियो किस तरीके से लग रहा है हमारे वीडियो आपको, और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.